हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। यूटीआई एएमसी ने जो है अपने ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए हैं सेबी के पास 4000 करोड़ के आईपीओ के लिए। तो इस यूटीआई एएमसी से संबंधित जो इसकी ओनरशिप की पैटर्न है, इस कंपनी की में किस तरीके की ग्रोथ हमें लगती है, इस पूरे सेक्टर में किस तरीके की ग्रोथ लगती है, इसकी क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, इन सभी पहलुओं पर जो है हम बात करेंगे और यूटीआई एएमसी को क्या जरूरत पड़ गई थी आईपीओ लाने की। देखिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असेट्स मैनेजमेंट जो बिजनेस है वो असेट्स लाइट मॉडल पर चलता है, यानी कि इनको बार बार असेट्स जो है क्रिएट करने के लिए कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो बिजनेस है, ये वास्तव में फंड्स मैनेजमेंट करने का जो बिजनेस है, ये असेट्स मैनेजमेंट करने का जो बिजनेस है, ये एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस होता है अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के फ्रंट पे देखें तो, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको अपनी कैपिटल नहीं चाहिए बल्कि फीस बेस्ड जो बिजनेस है वो होता है। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को जो है बहुत ही पसंद आता है इस तरीके का बिजनेस। लेकिन देखिएगा, इससे जो संबंधित जो बाकी इन्फॉर्मेशन है कि किस प्राइस के ऊपर आएगा, ये जो है एक डिस्कशन का मैटर है और जब इसकी पूरी वैल्यूएशन आ जाएगी तभी हमें पता चलेगा कि किस प्राइस के ऊपर देंगे। लेकिन इस आईपीओ के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानने जरूरी हैं, उनको आइएगा हम डिस्कस करते हैं इस अपने जो है वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहली बात देखिएगा, ये जो यूटीआई है आज की डेट में 7th जो है पोजीशन के ऊपर, यानी कि जो 7th लार्जेस्ट एएमसी है इंडिया के अंदर जो है असेट्स अंडर जो मैनेजमेंट है उसके अगर अकॉर्डिंगली देखें तो क्वार्टरली जो भी असेट्स अंडर द मैनेजमेंट है यूटीआई के, उसके हिसाब से जो क्रिसिल की रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये 7th पोजीशन के ऊपर जो है ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा आप देखिएगा, ये यूटीआई एएमसी जो है इसने थर्सडे को जो अपना जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो सेबी के पास जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए जो है फाइल किया है। इसके अंदर जो है 5 शेयर होल्डर जो है बेसिकली जो है नियरली 3.89 करोड़ जो शेयर्स है उनको सेल करेंगे, जो कि लगभग 30.75% ऑफ द आउटस्टैंडिंग जो इक्विटी है उसकी। तो मैं आइएगा पहले इसको समझाता हूँ कि देखिएगा, इसके अंदर जो है कोई भी नए शेयर्स इशू नहीं करेगी यूटीआई असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। जो वास्तव में एग्जिस्टिंग ओनर है कंपनी के, वो इन शेयर्स को बेचेंगे ऑफर फॉर सेल के थ्रू। तो इसका मतलब है कि यूटीआई असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के पास कोई भी पैसा इस इशू का नहीं आएगा, बल्कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर, वो अपना स्टेक सेल करेंगे 3.89 करोड़ शेयर्स, जो करीबन 31% जो है होल्डिंग बनती है कंपनी की उसको। और ये जो भी होगा ये ऑफर फॉर सेल होगा, जिसकी वैल्यू 4000 करोड़ रुपीस जो है वो अप्रोक्सीमेटली उन्होंने लगाई है। तो अगर आप इसके हिसाब से अगर पूरी कंपनी को जो वैल्यू करने लगेंगे तो पूरी वैल्यू आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो करीबन यहां पर अगर 30% जो वैल्यू है, यहां पर अगर 4000 करोड़ है तो करीबन 15,000 से 16,000 करोड़ तक की इसकी जो वैल्यू है, टोटल वैल्यूएशन वो यहां पर बनती है। लेकिन ये देखिएगा, जब आईपीओ के प्राइस आएंगे ये वैल्यूएशन इसके ऊपर भी और नीचे भी जा सकती है, सब्जेक्टेड टू मार्केट कंडीशन। और जिस तरीके की वैल्यूएशन रिपोर्ट ये लगाएंगे, वैल्यूएशन जब आएगी उसके हिसाब से जो है वैल्यू निकलेगी। तो हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 4500 करोड़ भी हो सकती है और 3800 या 3700 करोड़ भी हो सकती है। अब देखिएगा, इस कंपनी के अंदर जो ओरिजिनल मालिक है वो कौन है। देखिएगा, इस तरीके की जो कंपनी है ना, पहले भारत सरकार चलाया करती थी, और भारत सरकार जब इन कंपनी को चलाती थी तो खुद इसमें ओनरशिप नहीं लेती थी, लेकिन जो इसके बहुत बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो जिनको भारत सरकार जो कंट्रोल करती है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है, तो उन कंपनीज के माध्यम से इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाता था। तो उसी समय से जो है LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो इंडिया के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, ये इसके अंदर जो है ओनरशिप रखते थे। और सीधी सी बात यह है कि इस तरीके की जो ओनरशिप थी, बाद में इन्होंने डायल्यूट करके एक US के एक बड़े फंड्स जो है उसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था, टी रो प्राइस। और वो टी रो प्राइस जो है इसमें एक जो है गवर्नमेंट की जो ओनरशिप के जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उनके अलावा ये जो है टी रो जो है एक अलग से जो है पार्टनर है इस फर्म के अंदर। तो करंटली जो है LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 18.24% जो है इस कंपनी के अंदर जो है ओनरशिप रख रहे हैं। और US इन्वेस्टमेंट फर्म जो है
टी रो प्राइस जो है होल्ड करती है 24%। ये भी जो है इन्होंने 2009 के अंदर जो है इन्हीं कंपनी से, जो अभी मैं आपका जिनका नाम बता रहा हूँ यानी कि जो बैंक्स बता रहा हूँ या LIC, इन्हीं से इन्होंने बाय किया था। और टोटलिंग जो है 98.96% जो है इन्हीं के पास ओनरशिप है, बाकी छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स है वो इसके अंदर है। और ये जो भी OFS आएगा उसके बाद जो इनकी होल्डिंग है वो रिड्यूस होकर 68.21% रह जाएगी इन बड़े ओनर्स की, यानी कि जो ये ओनर्स हैं यही है जो अपने जो शेयर्स हैं वो ऑफलोड कर रहे हैं। OFS के अंदर जो है LIC, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा 8.25% जो स्टेक वो सेल करेंगे, और जो PNB है और टी रो प्राइस जो है ये ऑफलोड करेंगे 3%, यानी कि ये अपना हिस्सा बेचेंगे और अपना हिस्सा बेच के अपने पैसे इकट्ठे कर लेंगे। और ये जो पैसा है ये UTI एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी को नहीं मिलने वाला है, ये आप बात ध्यान रखिएगा, यानी कि उसकी कोई भी नए शेयर्स नहीं आने वाले हैं। और जो इन्होंने अपना ये जो फैसला किया ये क्यों किया, देखिएगा सेबी ने गाइडलाइंस लगा दी थी कि उन्होंने LIC को, SBI को, बैंक ऑफ बड़ौदा को ये कहा था कि अब अपना वोटिंग राइट जो है UTI AMC के अंदर जो है 10% तक लेकर आइए, यानी कि 10% तक लेकर आइए ऑन और बिफोर 31st December 2020। हालांकि ये सेबी की जो गाइडलाइंस है, जो सेबी की रेगुलेशंस थी, ये March 13, 2018 में नोटिफाई किए गए थे, जिसमें लिखा था कि नो स्पॉन्सर और म्यूचुअल फंड कैन हैव 10% और मोर शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट इन द असेट्स मैनेजमेंट कंपनी और द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। तो सीधी सी बात है कि कोई भी स्पॉन्सर, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स के स्पॉन्सर है या जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो इस तरीके की जो किसी भी कंपनी में 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं रख सकते हैं, और बोर्ड के अंदर भी 10% से ज्यादा का रिप्रेजेंटेशन नहीं रख सकते, या तो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के अंदर या उनकी जो ट्रस्टी कंपनीज है उनके अंदर। तो सिंपल सी बात है, यहां पर इस कारण से ये अपना जो है स्टेक है वो बेचना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो रेगुलेशंस हैं उनको फुलफिल करना है। अब जो बात कर रहे हैं कि ये जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा को ये जो निर्देश दिए हैं उसके कारण ये जो है आपके सामने जो है ये IPO आ रहा है। इसके बाद जो है टी रो प्राइस जो है वो वास्तव में पिछले साल जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर भी गया था, और उसकी जो शिकायत थी वो ये थी कि जो भारत सरकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जनरली जो बैंक्स और LIC हैं, ये IPO के अंदर जो है दिक्कतें पैदा कर रहे हैं और वो IPO लाना चाह रहे थे। और उसके बाद जो है सरकार के ऊपर भी उसने केस कर दिया था इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि इनको परमिशन दी जाए, और बाद में कुछ निगोशिएशन हुई और उसके बाद जो है उन्होंने अपना जो है केस वापस ले लिया, और क्योंकि गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दे दी थी कि ये जो है आपको IPO की, और जो है अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री जब IPO के लिए क्लियरेंस दे दी तो ये जो सारा रास्ता है ये साफ हो गया। तो ध्यान रखिएगा, तो टी रो प्राइस ने भी इसी कमिटमेंट के साथ जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वापस ली थी कि जो है गवर्नमेंट जो है IPO के लिए जो रास्ता खोल देंगे, क्योंकि जो इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो वास्तव में ऐसे टाइम पर इन्वेस्टमेंट करती है जब इनको वैल्यूएशन चीप मिलती हैं, और उसके बाद जब इनको लगता है कि मार्केट अच्छी है तो ये कोशिश करती हैं कि उसको IPO के माध्यम से ले आए। और फिर क्या होगा कि अभी तो IPO के माध्यम से ही, उसके बाद जब और स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स लिस्ट होंगे तो आप ध्यान रखिएगा टी रो जो है अपने सबसे कम शेयर्स जो है वो मार्केट के अंदर सेल कर रहा है, फिर उसके बाद जो प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी तो उसके बाद जो है ऑफर फॉर सेल जो है मार्केट के अंदर जो है वो चलता रहता है, फिर उस समय वो सेल कर देते, जैसे आपने HDFC AMC के अंदर भी देखा था कि अभी 3175 रुपये के हिसाब से पिछले महीने अभी भी जो है HDFC AMC के अंदर जो स्टैंडर्ड लाइफ है उसने OFS के माध्यम से अपने जो शेयर्स बेचे थे। तो ये जो बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं ये इसी तरीके से करते हैं, तो ये पहले जब कंपनी छोटी होती है उस समय जो है इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में एक अच्छे मौके की तलाश को देखते हुए अपने जो होल्डिंग्स हैं उससे वो एग्जिट कर जाते हैं, और कुछ होल्डिंग जो उनकी बचती है वो जनरली फ्री की बच जाती है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट को 2x, 3x या 4x जो है करते रहते हैं, ऐसे हमने पास्ट में भी देखा है। अभी UTI जो AMC है वास्तव में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसमें से ये कंपनी बनाई गई थी, और इसके अलावा कुछ और कंपनीज भी उसमें बनी थी जो है। तो ये जो AMC का जो बिजनेस है करीबन 55 साल पुराना जो बिजनेस है, और UTI AMC जो है आज की डेट में 7वें नंबर पर है अगर क्रिसिल रिपोर्ट की बात माने तो, और जो लीड मैनेजर्स होंगे इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स वो होंगे कोटक महिंद्रा, एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप ग्लोबल, DSP मैरी लिंच, ICICI सिक्योरिटीज, JM फाइनेंशियल्स और SBI कैपिटल मार्केट्स। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो IPO आएगा तो इस IPO में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या हो सकता है। देखिएगा, सबसे पहली बात ये कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक चीज़ हो सकती है कि जो ये बड़े बैंक्स हैं जिनके अंदर आपके पास ओनरशिप है, जैसे कि मान लीजिएगा आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या बैंक ऑफ बड़ौदा की या पंजाब नेशनल बैंक की, अगर आपके
आपके पास शेयर्स है तो हो सकता है कि आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए या शेयर होल्डर कोटा जो है इनके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो इन तीनों बैंक्स के अगर आपके पास एक भी शेयर होगा तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए रिटेल को जो है कुछ डिस्काउंट भी जो है आईपीओ के अंदर से गवर्नमेंट जो है दे सकती है। तो सीधी सी बात यह है कि ये जो आईपीओ है इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखिएगा इसकी जो फाइनल जो चीज है वो हम डिस्कस करेंगे तब जब प्राइजेस आ जाएंगे और वैल्यूएशंस जब हम कंपेयर कर पाएंगे। तो देखिएगा यूटीआई एएमसी जो है 178 जो है म्यूचुअल फंड स्कीम चलाती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के फंड्स हैं, जिसमें इक्विटी फंड है, हाइब्रिड है, इनकम फंड्स है, लिक्विड फंड्स है, मनी मार्केट फंड्स है। और यूटीआई जो है अपना जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है वो भी चलाती है जिसमें एचएनआई जो इन्वेस्टर्स हैं और उसमें जो है इनके ऑफशोर फंड्स हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, उनके माध्यम से भी ये जो है उनको मैनेज करती है। देखिएगा क्रिसिल की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो सीएजीआर है यानी कि जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट्स हैं जो फंड्स की वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17-19% जो है वो बढ़ती रहेगी 2024 तक। तो इस ग्रोथ को अगर हम देखते रहें तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसी शेयर्स के अंदर जो है अप्लाई करना चाहिए। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि किन प्राइजेस के ऊपर आपको ये मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है। और क्रिसिल की रिपोर्ट भी ये बात मानती है कि देखिएगा इस सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है उसके कुछ मेन कारण है कि जो हमारे पास नेट इनकम बचती है, हायर डिस्पोजेबल इनकम जो है हाउस होल्डर के पास बचती है, उसमें से उनको इन्वेस्ट करने की जो आदत है वो भी बन गई है। सीधी बात यह है कि डिजिटलाइजेशन आने की वजह से और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बारे में जो म्यूचुअल फंड्स की जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने जिस तरीके की प्रचार किया है तो बहुत सारे जो लोग हैं उनमें जागरूकता म्यूचुअल फंड के प्रति बनी है। और ज्योग्राफिकली पेनेट्रेशन जो है वो भी, और फाइनेंशियल जो सेविंग्स हैं लोगों के हाथ में उन सबको अगर हम देखें, और सीधी सी बात है कि रियल एस्टेट्स के अंदर जब से वेल्थ क्रिएट होनी बंद हो गई है, रियल एस्टेट के प्राइजेस नहीं बढ़ रहे तो वहाँ का जो पैसा वो काफ़ी पैसा जो है म्यूचुअल फंड्स की तरफ आने की जो है उम्मीद है। अब अगर हम इसको वैल्यूएशंस वाइज देखें तो रिलायंस निपोन लाइफ असेट्स मैनेजमेंट इस तरीके इस स्पेस के अंदर जो है एक लिस्टेड कंपनी है जो कि आज की डेट में पी जो है उसकी 42 टाइम्स है और बुक वैल्यू 42 है। तो अगर हम उसको शेयर प्राइस को देखें तो करीबन 10 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू वो शेयर मिल रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है, यानी कि जो पैसा वो लगाते हैं उस पर 28%, लेकिन मैं इक्विटी शोल्डर के एंगल से बात करूँ तो करीबन 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी वो कंपनी दे रही है। तो यहाँ पर हम इन रेशियोज को यूज करेंगे जब यूटीआई के शेयर का प्राइस आएगी तो वहाँ पर हमारे को वैल्यूएशन करने में जो है कन्वीनियंट रहेगा। इसी तरीके से एचडीएफसी एएमसी के शेयर्स की बुक वैल्यू की बात करें तो 160 रुपीज़ है और ये अगर प्राइस टू बुक वैल्यू करें वो तो 20 टाइम्स मिल रहा है। हालांकि इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, 35% के आसपास है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखें और इसकी जो ग्रोथ है सेल्स के अंदर वो 11.67% कंपाउंडेडली है 3 ईयर्स पे। तो इन सभी पैरामीटर को देखते हुए हमें ये तो लगता है कि जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी ग्रोइंग है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो टी रो प्राइज ने ये यूटीआई के अंदर जब शेयर्स लिए थे तो वो जो डेट थी वो 10th नवंबर 2009 में ये रिपोर्ट हुई थी, यानी कि 9th नवंबर 2009 के अंदर ये पूरा का पूरा जो स्टेक उन्होंने लिया था और उस समय पे जो उन्होंने स्टेक लिया था तो ये 26% स्टेक लिया था यूटीआई असेट्स मैनेजमेंट की। और जो भी मैंने आपको बड़े इन्वेस्टर्स बताए उन्हीं से ये उन्होंने डील की थी और इन्होंने जो टोटल असेट्स मैनेज करते थे फंड्स उसकी 3.3% वैल्यू जो देकर जो पूरी असेट्स की उस टाइम पर इस बिजनेस को खरीदा था। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर उस समय कुछ और भी डील्स हुई थी जहाँ पे नोमुरा ने जो है LIC के बिजनेस को खरीदा था और वहाँ पर उसने जो पेमेंट की थी वो 4.3% ऑफ AUM की थी। इसी के अलावा जो है L&T ने भी जो बिजनेस खरीदा था चोलामंडलम का और बाकी जो इस तरीके की और डील्स हुई थी वहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की जब डील की गई थी तो उस समय जो वैल्यूएशंस थे वो बहुत ही कम थे आज के मुकाबले में। और वहाँ पर उस समय पर यूटीआई के जो प्रॉफिट्स होते थे कुल 115 करोड़ रुपए जो है प्रॉफिट होते थे और यहाँ पर जो है उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ गए हैं जिसकी वजह से उसकी वैल्यूएशंस भी बढ़ गई है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उस समय पर 25% था, वाज ऑल्सो डिसेंट, तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था। और उस समय जो रिलायंस कैपिटल असेट्स मैनेजमेंट जो कंपनी जो आज की डेट में रैनम है वो कंपनी सबसे बड़ी हुआ करती थी और यहाँ पर अब जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वहाँ पर उस समय पर जिस समय ये कंपनी टेक ओवर की गई थी उस समय पर जो थे यूटीआई के जो मार्जिन्स थे और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो काफ़ी बेहतरीन थी उस समय पर भी। तो उस समय पर इस कंपनी को जो है टेक ओवर किया गया था, द फर्म वैल्यूएशन वाज 2580 करोड़ ट्रांसलेटेड टू रीजनेबली। तो उस समय पर इस पूरी कंपनी की जो वैल्यू थी जो आज यूटीआई
एएमसी है उसकी टोटल वैल्यू जो थी वो 2508 करोड़ थी, पूरी फर्म की वैल्यू की बात कर रहा हूं, और अब केवल 30% हिस्सा ही ये 4000 करोड़ में बेच रहे हैं। तो आप समझिएगा कि 2508 करोड़ की जो वैल्यू थी अगर उसका 30% निकालें तो 750 करोड़ जो है वैल्यू निकलती है, और वो वैल्यूएशन आज की डेट में 4000 करोड़ है। तो करीबन 4.5 टाइम्स तक जो वैल्यूएशन है वो आज की डेट में निकाली जा रही हैं जो उस समय पर वैल्यूएशन थी। और इसका मेन कारण यही है कि ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रोथ वाली, और ये डेटा मैंने आपके साथ क्यों शेयर किए, मैंने ये इसीलिए शेयर किए कि देखिएगा अगर आज आप 11 साल बाद ये वैल्यू देखेंगे कि 4.5 टाइम्स जो है वैल्यू क्रिएट हुई है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो इस शेयर्स के अंदर अगर आज पैसा लगाएंगे आज की वैल्यूएशंस में तो 10 11 12 साल के बाद, क्योंकि अभी ये इंडस्ट्रियों भी और तेजी से जो है ग्रो करने की हमें उम्मीद है, तो उस वजह से यहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 11 12 साल के बाद फिर इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट है 4.5 टाइम्स तक हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बताने के लिए मैंने ये जो चीजें हैं ये वैल्यूएशंस जो हैं जिस समय पर ये कंपनी TARW ने खरीदी थी उस समय तक की जो वैल्यूएशंस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर इसीलिए की। तो TROW ने जो ये इन्वेस्टमेंट की तो उस समय पर जो वैल्यू थी 2508 करोड़ थी, और अब केवल 30% बिजनेस जो है वो 4000 करोड़ का, तो आप मान के चलिएगा कि करीबन 4.5 टाइम्स टू लेके 5 टाइम्स तक की जो वैल्यू है ये इसकी बढ़ी है पिछले 11 साल के अंदर। तो इसी तरीके से जो है TROW प्राइस जो इन्वेस्टमेंट है वो उसने भी अपनी वेल्थ बढ़ाई, और इसी तरीके से मैं आपके साथ यही बात शेयर करूंगा कि अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए अंदर अच्छी कंपनी जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, वैल्यूएशन वाइज अच्छे शेयर्स हैं, तो अगर उन शेयर्स को रखोगे तो एक अच्छी वेल्थ जो है क्रिएट आप कर सकते हो। तो मैंने आपको इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये मैसेज देने की भी कोशिश की है कि अगर जो असेट्स लाइट मॉडल जो कंपनियां हैं वो आज की डेट में फेवरेट हैं, उनके ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है, और उनको अगर लंबे समय तक अगर आप होल्ड करेंगे तो वहां पर भी एक अच्छी वेल्थ जो है जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज रोज उनके शेयर प्राइस देखोगे तो बहुत ज्यादा कुछ जो है आपको हाथ में नहीं आने वाला है। तो बेटर यह है कि इस तरीके की कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में है, चाहे वो रिलायंस निपुण लाइफ असेट्स मैनेजमेंट है, चाहे HDFC AMC या इसका भी जब IPO आएंगे तो उसके अंदर हम जो पैसा लगाएंगे तो इस तरीके के शेयर जो है आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने चाहिए। और आगे जो भी है इससे संबंधित जो भी सूचना अपडेट होगी उसके बारे में मैं आपको एक नई वीडियो के माध्यम से आपको साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।